की सबकी साथ हो ला दे अजरा पीस के बुला देना। ए गणेश के पापा, ए गणेश के पापा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग मैं शुरू करता हूँ हर हर महादेव ओम नमः शिवाय से। और ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया कि मम्मी बोलने इतना ज्यादा बोलने लगी कि उनको रुका नहीं जाएगा। और उनका हंसी का इजहार भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा हंस रही है। और क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, ऐसा बात आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं अब आप लोगों को यही बोलूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार देते हैं हर एक ब्लॉग को। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग मम्मी को मेरा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऐसा ऐसा कमेंट किए हैं कि ब्लॉग देखने आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वो भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था जब हम पूजा करने गए हुए थे। तो अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही हम पूजा करने गए तो वहाँ पर एक घंटी रखा हुआ रहता है, उसको उठाने के लिए हम जैसे गए तो वहाँ पे देखे कि एक छिपकली जो है वो जो दाना होता है क्या बोलते हैं उसको, मिश्री रखा हुआ था, उसी को वो खा रहा था। तो आप लोग प्लीज़ कोई भी प्रसाद जो है चढ़ाने के बाद उस वक्त ही खा लें, बाकी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जाए और खाए और उसका तबीयत ख़राब हो जाए। तो मैंने वीडियो में देखा कि उसको जब भी कोई मंदिर में प्रसाद खाता है छिपकली लिजार्ड, तो उसको हम लोगों को अशुभ माना जाता है या शुभ। तो ये देखने के बाद से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसे माना जाता है शुभ। और आप लोग बताइए कि आप लोग के घर में भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पहले मैं बहुत पहले जब वीडियो बनाता था तो मैं सॉन्ग भी गाता था, पर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर कभी कभी एक एक मिनट का या 30-30 सेकेंड का सॉन्ग भी मैं कर दूँगा। पर थैंक यू सो मच। चलिए हम अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हमारी परी का आज पैर इस रुमाल पे निकाल दिया गया है, उसका छाप। और उस वक्त इतना इमोशनल पल हो गया था। आई होप सारी लक्ष्मी, सारी बेटियाँ को, मतलब बेटी और जितनी भी लड़की लोग ये ब्लॉग देख रहा है, मैं अपने तरफ से आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा। चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, आप लोग खूब सारा हमको अपना आशीर्वाद दीजिए। गाइज, आप लोग मानेंगे नहीं कि पिछले जो 2 साल है, मैं तो बहुत ज़्यादा सुनता हूँ पर फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। मुझे पता था कि मैं अगर पीछे हट जाऊँगा तो फिर पीछे हट नहीं पड़ जाता, पर आप लोगों ने बहुत लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। कुछ लोगों का आज नाम रिवील भी होगा कि कौन कौन जो कमेंट हम लोगों का ज़्यादा, मतलब बहुत 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 प्यार करता है हम लोगों से। सॉरी गाइस जिसका नाम छूटेगा उसके लिए, पर वो होगा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में भी कुछ कुछ नाम हम लोग कमेंट करेंगे कि कौन कौन हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सभी लोगों को दिल से नीलिमा ओझा। तो गाइस चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लव यू, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, ज़्यादा बात नहीं। सब कर दे रही है, सुबह सुबह आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गया है। वो प्रॉब्लम है कि कल मेरी भांजी घमौड़ी निकल गया है इसको, तो मम्मी बोली है कि नहीं अब नहीं पहना है, गर्मी में मेरे लाडो नहीं। तो यस, फाइनली आप लोगों के डिमांड पे मम्मी बहुत सारा कमेंट आया है कि आपको बनाना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगी सब लोगों को दिल से? बनाएंगे सब लोगों को दिल से आप क्या कहना चाहेंगे? बोल रहा था लोग नहीं बनाना है, हमारे बड़े बेटे बोल रहे थे कि मम्मी आप ये सब काम बंद कर दीजिए और आप स्कूल चलाइए और हम लोग कमा के करेंगे जो करना। सब लोगों को बताइए क्या कहना चाहेंगी। थैंक यू इसके लिए, तहे दिल से आप लोगों आपका भी मन नहीं लगता अगर नहीं करते तो। नहीं लगेगा अब इतने लोग से हम जुड़ गए हैं, कैसे भूलेंगे आप लोग को, इतने अच्छा ठीक है, चुन चुन के बोलते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, हम वो नहीं बोलेंगे। देखिएगा एक कहावत है, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा। देखिए एक कहावत है, जिसका जिससे आप लोग ज्यादा प्यार करते हैं उसका नाम जुबान पे ही रहता है। तो आप लोगों ने बोल दिया कि नहीं बनाने के लिए, पर मम्मी आज कोई भी 3 या 4 जन का नाम बताएंगी जो इतने साल के सफर में इनको याद है,
तो इससे पता चल जाएगा कि ये किसको किसको ज्यादा पसंद करती हैं कमेंट करने वाले में से। वो नीलिमा ओझा है, सबसे पहले नीलिमा ओझा जो थी एक वो सब्सक्राइबर उनका, और सेकंड मिली है, और तीसरा लाडली है, और फोर्थ है जिस नाम से आता है मनीषा, क्या है कैसे कुछ है उनका, हेम प्रिया हेम प्रिया है, रागनी है पुष्पा है, रेखा है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है, इसलिए जब हम लोगों का कोई भी अगर प्रॉब्लम भी होता है आप लोग के साथ मेरा आशीर्वाद है, दुआ है और शुभकामना है कि जिन लोग को भगवान भोलेनाथ बच्चा नहीं दिए हैं उनका गोद भर जाए, और खूब हंसते खेलते रहिए, आप लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़िए। और गाइस ये तो बात हो गया, और आज आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे ही परी को मम्मी अपने गोद में ली और जैसे ही उसका पैर का जब छाप ले रही थी तो ये ऐसा लग रहा था कि माँ दुर्गा का रूप में वो आई हैं हमारे घर पे, और सारा का सारा दुख जो है वो एक एक करके खत्म होते जा रहा है। और जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन जागरण हो रहा था मेरे यहाँ जो अम्बाला में, उसी दिन आई है मेरे घर, तो साक्षात दुर्गा जी है और दुर्गा जी का रूप है उनका, तो बहुत जल्द उनका फेस भी आप लोग को दिखा देंगे। कभी कभी मिस्टेक कर हो जा रहा है लेकिन फिर से आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। तो गाइज मैं आप लोगों को भी दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश हैं अभी, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया है। कोई कोई बोल रहा है कि ब्लॉग छोड़ के भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो गाइज ये सब आपका प्यार देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी मम्मी को इतना ज्यादा प्यार करते हैं। और ये बात समझ लीजिए कि हम बस क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत जितना भी है कंटेंट जो होता है दिमाग के अंदर हम थोड़ा, इनको तो आप लोग बहुत सब सुनाते हैं लेकिन ये दिल के साफ हैं, ये भी सोचते हैं कि सब लोग को जोड़ के रखा जाए, और भाई सचिन भी है तो भगवान करे कि बुद्धि हो, भोलेनाथ करे कि वो लोग भी सब लोग जुट के रहे, हमको क्या, हमको तो जो जहाँ कहेगा वहाँ जा सकते हैं लोग, माँ बाप तो सबके लिए बराबर होते हैं। और गाइज अब आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत इस मंथ में एक बहुत ही दमदार जन्मदिन होने वाला है जिसका अभी रिवील नहीं करेंगे, पर बर्थडे भी होने वाला है और छठियार भी होने वाला है पर रिवील नहीं करेंगे, और सब लोग भैया भाभी हम दीदी और मम्मी पापा जी सब लोग मिलके कुछ ना कुछ, क्योंकि वो सबसे छोटी है, हम छोटे हैं तो वो भी छोटी है, तो सब लोग एक एक करके गिफ्ट अगर होगा तो देगा, तो आप लोगों को देखने को, अरे हम बता दिए क्या, ओ शिट मजाक हो गया, तो बस आप लोग समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। अब मम्मी आप बताइए कि क्या लगता है कि क्या नाम पड़ेगा छुटकी का, परी का? हम तो लाडू रखे हैं, अब वो लोग जो रखना होगा रखेगा, लड्डू का भाई बहन लाडू दोनों। और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि अब मम्मी थोड़ा ये भी सोच ली है कि इनका जो नया वाला जो चैनल है जो शॉर्ट वाला उस पे ही ज्यादा वीडियो ये मम्मी देने वाली हैं, रेसिपी का मेरा जाएगा, रेसिपी का चाहे जो भी इनके दिल में बात होगा उस पे ज्यादा वीडियो जाएगा, तो आप लोग उस चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो प्लीज, आप लोग ये मत समझिएगा कि उस पे सब्सक्राइबर कम है, उस पे भी 75K इस वाला जो चैनल मेरा था इसका सिल्वर बटन हम लोग का कोई अति से नहीं आ पाया, लेकिन उस पर आप लोग वो हम लोग ब्लॉग बना के बता देंगे क्या हुआ था उसका, हाँ। उसका क्या साजिश था वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपको मैं बता दूं कि आज बहुत हमारे घर पे आई हुई हैं, मेहमान आई हैं तो हम इसमें थोड़ा सा क्लिप रखे हैं, ठीक है, तो। और आप लोग को ढेर सारा प्यार दिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सावन में ऐसा क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए? सावन में नॉनवेज तो पहले नंबर नहीं खाना चाहिए, और शंकर भगवान का दिन है इसमें मन से पूजा करना चाहिए, और कितना लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं सावन भर, लेकिन हम लोग तो बाबा धाम जब जाते थे तो पूर्णिमा का ही निकलते थे और 5-6 दिन के बाद आते थे वहाँ से जल चढ़ा के, तो जो भी बोलबम जाते हैं उरा चप्पल पहनेंगे, ना दाढ़ी हजामत बनाएंगे, ना नया कोई चीज़ उस समय जाने के टाइम पहनेंगे, और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं। और गाइज आप लोगों को बता दें कि हम लोगों का मेहंदी लगाना चाहिए, हारा चूड़ी पहनना चाहिए,
छठियार में तुम लोग के लिए नहीं लाया था कुछ, इसके लिए लाया था। बोला तो तुम्हारा बेटी अगर था सबसे अच्छा वा। अरे कितना पाइल पाने गिर तू है पिलाइए। हाँ बेटी लोग को लक्ष्मी का आगमन होता है। खूब अच्छा चरी उसे लगा पानी जैसा रंग गई अंगठा पूरा भीगा हो है ना जो आज चम चम चम। अरे मम्मी स्किन छोड़ने लगता है। चलो चलो चलिए जय माता दी जय माता दी जय माता बस दी। मम्मी हाथ लगेगा जय माता दी। मामा नाना के घर बढ़ा के रखो। हाँ अपने पापा और दादा का अपने पापा दादा का भी घर बढ़ा दो। बड़का पापा का भी बढ़ाओ। सब को लक्ष्मी जी बुलाओ। सबसे ज्यादा मामा को देंगे हम। हाँ हाथ रंग दे गुड़वा रंग रहे हाथों का छपा ले लीजिए रुमालो हट जाएगा। अरे हाथ में कर लेगी जी का हाथ का भी लिए लड्डू का भी दो सो रही है का जी जबरदस्ती करा रहा है ठीक से पकड़ी। अरे ठीक से भैया अच्छा है हम महंगा बैठा लिया है। दो कुछ नहीं होगा। दो छिपी अबे क्या हुआ उसको देखो ना सोना चाह रही है। धरो हाथ और खोल के चुप चुप खोला है। आपका जबरदस्ती बांध के रखी है ये भाई इतना लड्डू था तो तुम हाथ का छाप चुम बजने से इसलिए इनका पाँव आज कलर किया जा रहा है। और इतने दिन से क्यों नहीं हुआ था। इतने दिन से इनके घर में छुटका था इसके वजह से कुछ नहीं हो रहा था। राउर भांगिया बा राउर भांगिया बा राउर भांगिया बा ढेर पिसत पिसत होला दे अजरा पीस के बुला दीना। ए गणेश के पापा ए गणेश के पापा। अरे पावर भांग पिसाई ना ओ ए गणेश के मामी। तो गाइस कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग कमेंट कीजिएगा खूब सारा प्यार दीजिएगा। और आरंभ हो चुका है हम लोगों का जो 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 भी कुछ अनबन था वो अभी 50% जो है वो सॉल्व हो चुका है। और अभी 50% इसलिए ब्लॉग में बहुत लोग नहीं दिख रहे होंगे पर देखते हैं कि ये ट्रिप जो है अब कब जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। अगर नहीं भी जाने वाला होगा तो ये बंदा लेके जाएगा। बस बने रहिए सावधान रहिए सतर्क रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।